नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं अनुराग की वाणी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनुराग। आज मैं आप सभी के लिए केरल से यास्मीन की दिल दहला देने वाली कहानी लेकर आ गया हूँ। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगा तो आप सभी के पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। अब मैं आप सभी को कहानी यास्मीन के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊँगा। मेरा नाम यास्मीन है। यह बात तब की है जब मेरी उम्र 17 साल थी। मेरा घर केरल के एक छोटे से गांव में था। मुझे घूमना बहुत पसंद था। एक दिन जब मैं अपनी बकरियों को लेकर जंगलों में पहुंच जाती हूं उनको चराने के लिए, तभी मेरा अचानक से अपनी बकरियों से मन भटक जाता है। मैं उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। मैं बस कुछ न कुछ उछल कूद करती रहती। कभी उस पेड़ पर चढ़ जाती, कभी किसी और पेड़ पर चढ़कर आराम करने लगती। एक दिन क्या हुआ कि मैं हर रोज़ की तरह अपनी बकरियों को चराने के लिए जंगल में ले गई थी। इस बार मैं घूमते घूमते अपनी बकरियों को जंगल के काफ़ी अंदर तक ले आई थी। जंगल के बाहर काफ़ी उजाला था, पर जैसे जैसे मैं जंगल के काफ़ी अंदर जा रही थी वैसे वैसे ही अंधेरा बढ़ता जा रहा था। तभी मेरी ज़मीन पर नज़र पड़ती है। मैं उस तरफ देखती हूँ, एक चमकीली सी चीज सूखे पत्तों के बीचों बीच बड़ी चमक रही थी। फौरन मैंने उस चीज़ को उठाकर देखा, तब मुझे पता चलता है कि वह एक सोने की चैन है। मैं मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। साथ ही मेरे मन में एक सवाल भी उठ रहा था कि आखिर यह किसका है। मैंने 3 बार आवाज़ देकर बोला कि यह सोने की चैन किसकी है। तीनों बार मेरे बोलने के बाद किसी का जवाब नहीं आया। फिर मैंने उस चैन को अपने सलवार में फंसा कर फौरन अपनी बकरियों को इकट्ठा करके घर की ओर निकल पड़ी। जब मैं घर पहुंची, मेरे चेहरे पर खुशी देखकर मेरी माँ बोली, क्या बात है, आज इतनी खुश नज़र आ रही है। मैं भी अंदर से बहुत ज़्यादा खुश थी और शक्ल पर भी मेरी खुशी ज़्यादा ही नज़र आ रही थी। मैं फौरन अपनी मम्मी को अंदर वाले कमरे में लेकर गई और अपनी माँ से बोली, मम्मी आज मुझे जंगल में एक सोने की चैन मिली। इतना सुनते ही मेरी माँ बोली, डुप्लीकेट होगी, असली सोने की चैन ऐसे ही नहीं कहीं मिल जाती पड़ी हुई। मैंने अपनी माँ से बोली, नहीं असली सोने की चैन है। माँ बोली, दिखा फिर। मैंने जैसे ही अपने सलवार से उस चैन को निकालना चाहा, पर वहाँ कोई चैन नहीं थी। मैं चौंक जाती हूँ, शायद वह चैन कहीं गिर गई। मेरी माँ मुझे कहती है, दिन में सपने देखना बंद कर दे बिटिया। फिर वह हंसते हंसते बाहर चली गई। मैं अब सोच में पड़ चुकी थी कि क्या वह सब मेरा वहम था, पर मुझे याद है मैंने सोने की चैन अपने सलवार में फंसा कर लाई थी और वह असली भी थी, आखिर गई कहाँ। फिर कुछ दिनों बाद मैं फिर से उसी जंगल की तरफ जाती हूँ अपनी बकरियों को चराने के लिए। इस बार मैं और ज़्यादा जंगल के अंदर चली जाती हूँ। तभी मुझे फिर से ज़मीन पर सूखे पत्तों के बीचों बीच एक चमकती रोशनी दिखाई दी। मैंने फौरन पत्ते हटाकर देखा तो वही सोने की चैन थी जो उस दिन मुझे मिली थी। उस वक्त जंगल में काफ़ी अंधेरा हो गया था, क्योंकि पूरे आसमान को काले बादलों ने घेर लिया था। बादलों की वजह से हर तरफ अंधेरा छा गया था और मैं पागल जंगल के काफ़ी अंदर तक आ चुकी थी। पर मेरे मन में एक खुशी भी थी कि उस सोने की चैन के लिए, कि आखिर मुझे फिर से चैन मिल ही गई। अब इसे सही सलामत अपने घर लेकर जाऊंगी और फिर अपनी माँ को दिखाऊंगी। मैं जैसे ही घर की ओर बढ़ी तभी मुझे आवाज़ आती है, किसी को दिखाना नहीं। 2 बार ऐसी आवाज़ आती है, किसी को दिखाना नहीं, किसी को दिखाना नहीं। ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे कान के पास आकर बहुत धीरे धीरे से यह बात बोल रहा हो। तभी ज़ोरों से बारिश शुरू हो गई। मैं भीगती भीगती अपने घर पहुंची। इस बार मैं उस सोने की चैन को अपनी मुट्ठी में बंद कर लाई थी। माँ को ना बताते हुए सबसे पहले मैंने मुट्ठी खोलकर उस चैन को देखना चाहा। जैसे ही मैंने मुट्ठी खोली, देखा चैन मेरे हाथ में ही थी। उस चैन को देखकर मैं बहुत खुश हुई। मैंने ज़ोर ज़ोर से अपनी माँ को आवाज़ लगाई,
मेरी माँ भी दौड़ी दौड़ी मेरे कमरे में आई, बोली क्या हुआ। मैंने अपनी माँ को चैन दिखाना चाहा, पर तभी अचानक वह सोने की चैन माँ को दिखाने से पहले ही गायब हो जाती है। मेरी माँ बोली क्या हुआ, क्या दिखाने वाली थी और इतना जोर जोर से क्यों बुला रही थी मुझे तू। फिर तभी मैंने अपनी माँ से बोला कुछ नहीं आप जाओ। मेरी माँ बड़बड़ाते हुए किचन की ओर चली गई और बोली यास्मीन तू पागल हो गई है, घर का काम वाम किया कर, बस पूरे दिन इधर से उधर घूमती रहती है। फिर उसी रात मुझे एक सपना आता है, जिस सपने में मैं देखती हूँ कि एक 21-22 साल का नौजवान लड़का दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। पता नहीं क्यों मैं उस लड़के के साथ एक जंगल में हूँ। सपने में मैं गौर करती हूँ तो मुझे पता चलता है कि यह तो वही जंगल है जहाँ मैं अपनी बकरियों को चराने के लिए ले जाती हूँ। तभी देखते ही देखते वह लड़का मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपनी तरफ खींच लेता है और वह मुझसे अपने दूसरे हाथ को मेरी तरफ बढ़ाने के लिए बोलता है। मैं अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा देती हूँ, तभी वह अपनी जेब से एक चीज़ बाहर निकालता है और फौरन उसे मेरे हाथ पर रख देता है। मैं उसे देखकर चौंक जाती हूँ क्योंकि वह वही सोने की चैन थी जो मुझे उसी दिन हकीकत में उसी जंगल में पड़ी हुई मिली थी। पर जैसे ही वह लड़का मेरे हाथ में उस चैन को रखता है, तभी पलक झपकते ही वह उस चैन को फौरन अपनी जेब में वापस रख लेता है और मुझसे बोलता है कल फिर से उसी जंगल में आना, तब मैं तुमको यह चैन हमेशा के लिए दे दूंगा। वह इतने प्यारे लहजे में बोल रहा था, पर मैंने उसे बोला कि मुझे यह चैन अभी दे दो, पर अचानक ही उसे ना जाने क्या हो गया, वह मेरी आंखों में अपनी आंखें डालकर देखने लगा। उसकी आंखें इतनी नशीली थी कि कोई भी उसकी आंखों में खो जाएगा। थोड़ी देर बाद ही मेरी आंख खुल जाती है। सुबह के 5 बज रहे थे। मैं फौरन अपनी हथेली को देखती हूँ कि कहीं वह सोने की चैन मेरे हाथ में ही तो नहीं, पर यह मेरी गलतफहमी थी, मेरे हाथ में कोई चैन नहीं थी। जब से मैं सोकर उठी हूँ मुझे बस बार बार उस सपने वाले लड़के का ख्याल आया जा रहा था। मेरा बार बार मन कर रहा था कि मैं उस लड़के से मिलने जाऊँ, पर यह कैसे संभव था, वह तो सिर्फ एक सपना था। पर मेरा मन नहीं मान रहा था, मेरे दिलो दिमाग में बस उसी नौजवान लड़के का ख्याल आ ही जा रहा था। दोपहर हो चुकी थी और कुछ ही घंटों में अंधेरा भी हो जाता। 4 बज रहे थे और मैं अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। तभी मेरे अंदर पता नहीं कैसी उत्साह हुई कि मैं उस जंगल में जाऊं। फौरन मैं अपनी माँ को बिन बताए उस जंगल की तरफ चली गई। मुझे बहुत ही ज़्यादा घबराहट हो रही थी और दिल भी बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैं उस जंगल के काफ़ी अंदर तक जा चुकी थी और अब दिन धीरे धीरे ढल रहा था और थोड़ी देर में अंधेरा भी हो ही जाता। मैं इधर से उधर पागलों की तरह उस लड़के को ढूंढे जा रही थी। फिर तभी मुझे तीसरी बार उन सूखे पत्तों के बीचों बीच वही सोने की चैन फिर से मिलती है। इस बार मैं उसे उठाकर और बार बार उसकी तरफ देखे जा रही थी और अपने घर की तरफ भी तेजी से बढ़ती जा रही थी। मैं उस चैन को अपनी आंखों के सामने से ओझल नहीं होने दे रही थी। तभी मेरे कानों में फिर से वही आवाज़ आई, किसी को बताना नहीं। इतना सुनते ही मैं फौरन तेज गति से अपनी घर की तरफ भागी। अंधेरा काफ़ी हो चुका था, 6 बज चुके थे, मैं अपने घर पहुँच चुकी थी। मेरी माँ बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, पर इस बार मैंने अपनी माँ को वह सोने की चैन नहीं दिखाई। पर चौंकने वाली बात यह थी कि इस बार वह सोने की चैन गायब नहीं हुई, क्योंकि जब भी मैं अपनी माँ को बुलाती या उस चैन को अपनी माँ को दिखाना चाहती थी, तभी उसके कुछ ही देर बाद वह सोने की चैन गायब हो जाती थी। पर इस बार ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मैंने अपनी माँ को उस चैन के बारे में कुछ नहीं बताया। मैं अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी और वह चैन मेरी आंखों के सामने थी। फिर फौरन मैंने उस चैन को अपने गले में पहन लिया। फिर तभी कुछ दिनों से मेरे साथ एक भयानक घटना घटने शुरू हो गई। जब मैंने वह सोने की चैन अपने गले में डालकर सो गई, तो जब मेरी माँ मुझे सुबह मेरे कमरे में उठाने के लिए आई, पर मैं वहाँ नहीं थी। मेरे सभी घर वाले मुझे ढूंढ रहे थे पर मैं कहीं भी नहीं थी। तभी एक गाँव का आदमी दौड़ा दौड़ा आया कि तुम्हारी बेटी पास वाली नहर के किनारे बेहोश हुई पड़ी है। फौरन मेरे घर वाले वहाँ आए
और मुझे वहाँ से फौरन घर लेकर चले गए। जब मैं होश में आई तो मैं सभी से बस यही बोल रही थी कि मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। यह सब बात मुझे मेरी माँ ने बताई। ऐसा मेरे साथ रोज़ाना होने लगा। कभी मैं अपने घर की छत पर लेटी हुई मिलती या फिर उसी जंगल में जहाँ मुझे वह सोने की चैन मिली थी। एक और बात आप सभी को बता दूँ, मेरे गली की जो सोने की चैन थी वह मेरे किसी भी घर वाले को मेरे अलावा दिखाई नहीं देती थी। मेरे अलावा उस चैन को कोई क्यों नहीं देख पा रहा था, इस बारे में आप सभी को कहानी के अंत में पता चलेगा। अब तक जो भी कुछ मेरे साथ हो रहा था यह बिल्कुल सच है। आप मानो या ना मानो, मेरे सभी घर वाले परेशान हो गए थे। मेरी वजह से पूरे गांव में हंगामा हो चुका था, एक तरीके से बदनामी हो रही थी मेरे घर वालों की। वह मेरे बारे में गलत गलत बातें बोलते थे, कहते थे कि इनकी लड़की रात भर कहीं ना कहीं मुंह मारती रहती होगी, तभी इधर उधर हमेशा सुबह पड़ी हुई मिलती है। पर दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं था। ना जाने यह सब कैसे हो रहा था, मेरे घर वाले भी मेरे लिए बहुत परेशान थे। मुझे अब खुद पर रोना आ रहा था और अभी तो बस यह शुरुआत थी। इन सब के बाद तो और दर्दनाक घटना मेरे साथ घटने लगी। मुझे रोज़ रात को शरीर में जलन होना शुरू हो जाती थी और वह जलन सुबह होते ही ख़त्म होती। मैंने अपने घर वालों को इस जलन के बारे में बताया, तभी मेरी माँ मुझे लेकर डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने बोला कि खून में बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। डॉक्टर ने मुझे खून ठंडा करने वाली दवाई दी। इस दवाई से मुझे सिर्फ एक दो दिन ही फ़र्क पड़ा, पर उसके बाद फिर से मुझे जलन होने शुरू हो जाती थी और अब दवाई भी मुझ पर असर नहीं कर रही थी। अब मुझे हर रात सपने में वही लड़का फिर से दिखाई देने लगा। वह मुझसे सपने में प्यारी प्यारी बातें करता और मुझसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहता, पर मैं उसे सपने में इस चीज़ के लिए मना कर देती हूँ। फिर वह लड़का मेरे सपने में मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लग जाता है। बेशक मैं सपना देख रही थी, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि हकीकत में मेरे साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहा हो। मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखे चिल्लाई जा रही थी। मेरे घर वाले मेरे कमरे में आ गए और मेरे को इस हालत में देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक गए। वह मुझे बार बार जगाने की कोशिश कर रहे थे पर मुझे जगा नहीं पा रहे थे। बस मैं चिल्लाई जा रही थी और बार बार बोले जा रही थी कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। मेरी माँ देखती है कि मेरी सलवार खून से लथपथ हो जाती है। मेरी माँ यह नज़ारा देखकर चीखने चिल्लाने लगती है कि आखिर यह सब हो क्या रहा है मेरी बेटी के साथ। तभी सभी गाँव के लोग मेरी और मेरी माँ की चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर हमारे घर के पास आकर खड़े हो जाते हैं और वह लोग मेरे घर वालों से मेरे बारे में पूछते हैं। उस भीड़ में से एक आदमी निकलकर आकर पूछता है, कहीं आपकी बेटी के ऊपर किसी बुरी शक्ति का साया तो नहीं? आप उसे कहीं किसी तांत्रिक वगैरह को दिखा लो, वरना अगर बहुत देर हुई ना शायद वह बच ना पाए। सुबह सब कुछ शांत हो जाता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना दर्द कभी नहीं सहा और ना ही दोबारा कभी सह पाऊंगी। शायद अगली बार मैं अपने प्राण त्याग दूं। कल की रात मेरे लिए इतनी खौफनाक थी कि भगवान ना चाहे कि वह दिन किसी को देखना पड़े जो मेरे परिवार वालों ने और मैंने देखा है। जो मेरे सलवार से खून निकल रहा था वह मेरी योनि से खून बह रहा था। गांव वालों के कहने से मेरे घर वाले मुझे फौरन एक तांत्रिक के पास ले गए। उन्होंने मेरी सारी समस्याएं सुनी और थोड़ी ही देर में उन्होंने कुछ तंत्र विद्या किया और हम सबको बता दिया कि मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली बवंडर जिन्नात का साया है। बवंडर जिन्नात वह होते हैं जो हवा के साथ यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं। वह किसी भी इंसान के ऊपर आ जाता है, ज़्यादातर वह लड़की के ऊपर ही प्रवेश करते हैं। इन जिन्नातों को लड़कियों की सुगंध काफ़ी अच्छी लगती है। शायद आपकी बेटी कहीं घूमने फिरने गई होगी और जिन्नात की मुलाकात आपकी बेटी से हो गई। पर वह तांत्रिक बाबा भी काफ़ी शक्तिशाली थे। उन्होंने रात भर में ही उस जिन को मेरे ऊपर से हटा दिया था। फिर उस रात ही हम सब वापस घर आ गए। घर आए ज़्यादा देर ही नहीं हुई थी कि मेरे पेट में अचानक से बहुत ज़ोर ज़ोर से दर्द हो रहा था। मैं दर्द से कहरा रही थी, तभी फौरन मेरे घर वाले मुझे लेकर डॉक्टर के पास चले गए।
डॉक्टर ने मेरे पेट को चेक किया और बोला कुछ तो गड़बड़ है इसके पेट में। वह हमारे गांव के ही डॉक्टर थे, उनके पास इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी। उन्होंने हमसे बोला कि मुझे लेकर फौरन शहर के किसी बड़े हॉस्पिटल में दिखा लाओ। मेरे घर वाले फौरन ही मुझे लेकर शहर के बड़े हॉस्पिटल में ले गए। वहाँ जाकर जब डॉक्टर ने मेरा अल्ट्रासाउंड किया तो पता चलता है कि मेरे बच्चेदानी में वही सोने की चैन थी जो मुझे उस जंगल में पड़ी हुई मिली थी। सभी डॉक्टर चौंक गए कि यह सोने की चैन वह भी मेरे बच्चेदानी में आई कहाँ से। मेरी माँ भी अचंभित थी कि यास्मीन एक दो हफ्ते पहले ही किसी चैन के बारे में मेरे से बात कर रही थी। अच्छा, यह वही चैन है। अगले दिन डॉक्टर ने मेरा ऑपरेशन करके उस चैन को बाहर निकाल दिया। फिर एक दो हफ्ते बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई और फौरन हम केदारनाथ महादेव के दर्शन के लिए निकल गए। तब से अब तक मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर वह जो घटना मेरे साथ घटी उसे मैं आज तक कभी नहीं भुला पाई हूँ। दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। अगर आप सभी को ऐसी कहानी और सुननी है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कम से कम 5 लिंक्स मैंने दिए हैं और वह 5ों जिन्नातों की कहानियों पर हैं। लोगों के द्वारा मुझे भेजी गई सच्ची और डरावनी जिन्नातों की कहानियाँ डिस्क्रिप्शन में हैं। जाओ और जाकर उन कहानियों को भी सुनो और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, आज की कहानी में आप सभी की रूह कांप जाएगी, तो चलिए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है अंधेरी काली रात और बहुत तेज बारिश। रात के करीब 10 बज रहे थे। रोहन अभी अपने ऑफिस का काम खत्म करके बाहर निकला था घर जाने के लिए। बाहर निकला तो देखा तेज बारिश और सुनसान रास्ता, पर अच्छा था कि आज रोहन अपनी गाड़ी लाया था। रोहन ने पार्किंग से गाड़ी निकाली और घर की ओर चल दिया। रोहन की उम्र 25 वर्ष थी। वो इस शहर में अकेला ही रहता था। रोहन का परिवार जयपुर में रहता था। रोहन धीरे धीरे गाड़ी चलाता हुआ गाने सुनता हुआ जा रहा था। सड़क पूरी तरह सुनसान थी। अंधेरा और बारिश के कारण कोई नहीं था उस सड़क पर। गाड़ी चलाते चलाते रोहन की नज़र सामने खड़ी एक लड़की पर पड़ी। वो लड़की हाथ हिलाते हुए रोहन से लिफ्ट मांग रही थी। रोहन ने इस रास्ते के बारे में काफ़ी कहानियाँ सुनी थी, इसलिए उसका मन नहीं माना कि वो रुके। पर इंसानियत का फर्ज पहले समझते हुए उसने गाड़ी रोक दी। गाड़ी रोक कर गाड़ी का कांच नीचे किया तो देखा वो लड़की सफ़ेद रंग के सूट में पूरी तरह भीगी हुई खड़ी थी। उस लड़की ने कहा, मैं घर जाने के लिए लेट हो गई हूँ, इस समय कोई रिक्शा भी नहीं मिल रहा, क्या आप मुझे थोड़ी आगे तक छोड़ देंगे? रोहन ने कहा, ठीक है, आइए मैं छोड़ देता हूँ। वो गाड़ी में बैठ जाती है और रोहन गाड़ी चलाना शुरू करता है। रोहन बात शुरू करने के लिए पूछता है, कहाँ काम करती हैं आप और क्या नाम है आपका? वो लड़की बताती है, बस यहीं जहाँ आप काम करते हैं उसी के साथ वाले ऑफिस में मैं भी काम करती हूँ। रोहन पूछता है, क्या आप मुझे जानती हैं? तो वो लड़की बताती है, हाँ, मैंने देखा है आपको कई बार। रोहन पूछता है, आपका नाम क्या है? तो वो माया नाम बताती है। तभी सामने एक ब्रेकर आता है जिसकी वजह से गाड़ी में पड़ी रोहन की किताब नीचे गिर जाती है। तो वो लड़की मतलब माया उस किताब को उठाती है। वो किताब भूतों की डरावनी कहानियों की किताब होती है। माया कहती है, लगता है आपको भूतों की कहानियाँ बहुत पसंद है। तो रोहन कहता है, हाँ, मुझे पसंद है डरावनी कहानियाँ। माया पूछती है, क्या आपको डर नहीं लगता? तो रोहन कहता है, नहीं, इसमें डरने की क्या बात है, भूत सच में थोड़ी ना होते हैं, ये तो बस मनोरंजन की बातें हैं। माया कहती है, अगर कभी सच में आपको कोई भूत मिल गया तो? रोहन हंसते हुए कहता है, तो क्या हुआ, उसे भी लिफ्ट दे दूंगा।
माया थोड़ी गुस्से में देखती है रोहन की ओर और कहती है, अच्छा मैं आपको एक डरावनी कहानी सुनाती हूँ, अगर आप नहीं डरे तो मैं सच में मान लूंगी कि आप नहीं डरते किसी भी भूत से। रोहन मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, सुनाइए अपनी डरावनी कहानी। माया कहानी बताना शुरू करती है। ये बात पिछले 10 साल पुरानी है। इसी शहर में एक लड़की रहती थी। उसके माता पिता ने उसे पढ़ने के लिए इस शहर में भेजा था। वो लड़की अकेली किसी फ्लैट में रहती थी। सुबह ऑफिस जाना और शाम को आकर पढ़ना, बस यही काम था उसका। इसी तरह जिंदगी चल रही थी उसकी। एक दिन ऑफिस में काम करने वाले एक लड़के ने उससे कहा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो लड़की शादी के लिए तैयार नहीं थी तो उसने मना कर दिया, पर ये बात उस लड़के को पसंद नहीं आई। वो रोज उस लड़की का पीछा करता, उसे डराता कि हाँ कर दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वो लड़की बहुत डर चुकी थी तो उस लड़की ने उस लड़के के खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर दी। पुलिस ने उस लड़के के खिलाफ कार्रवाई करते हुए धमकी देने और पीछा करने के जुर्म में उस लड़की को पुलिस ने लॉकअप में बंद कर दिया। 2 दिन तक वो लड़का वहीं रहा, फिर पुलिस ने छोड़ दिया। अब वो लड़का और गुस्से में आ चुका था। उसने फैसला किया कि वो उस लड़की को नहीं छोड़ेगा। अगले दिन जब वो लड़की ऑफिस से घर वापस आ रही थी, रात हो चुकी थी, तो वो लड़की जल्द ही घर पहुंचने के लिए रिक्शे का इंतजार करने लगी, पर कोई रिक्शा वाला नहीं था वहाँ। वो लड़का इसी पल के इंतजार में था कब उसे वो लड़की अकेली मिले। लड़का लड़की के पास आया, उसने अपनी जेब से चाकू निकाला और उस लड़की का गला काट दिया। उसे मारने के बाद भी वो उसके शरीर पर चाकू से वार किया जा रहा था। थोड़ी ही देर में उसने उस लड़की के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वो सड़क और वो लड़का खून से भीग चुके थे और सुनसान सड़क होने के कारण वहाँ और कोई नहीं था। बहुत ही भयानक मंजर था वो। फिर वो लड़का वहाँ से भाग गया और अब वो खुश था क्योंकि उसने अपना बदला ले लिया था। फिर कुछ दिनों बाद वो लड़का इसी रास्ते से गुजरा। वो अकेले ही गाड़ी चलाता हुआ जा रहा था, तभी सामने उसे एक लड़की खड़ी दिखी जो हाथ दिखाकर लिफ्ट मांग रही थी। उस लड़के ने गाड़ी रोकी और लड़की को गाड़ी में बैठाया। अगली सुबह वो लड़का अपनी गाड़ी में मरा हुआ मिला। डॉक्टर ने बताया कि उसकी मौत दिल की धड़कनें रुकने की वजह से हुई। माया की कहानी यहाँ ख़त्म हुई। रोहन ने कहा, बस ख़त्म तुम्हारी हॉरर स्टोरी। माया ने कहा, तो बताओ कौन होगी वो लड़की जो उसकी गाड़ी में बैठी थी और उस लड़के की मौत कैसे हुई। रोहन हंसते हुए बोला, ये भी कोई पूछने की बात है, वो लड़की उसी लड़की की आत्मा होगी जिसको उस लड़के ने बुरी तरह से मार दिया था। रोहन कहता है, पर एक बात समझ नहीं आई, उस लड़के की दिल की धड़कनें क्यों रुकी, मतलब ऐसा क्या देख लिया उसने। और उस लड़के में तो हिम्मत भी बहुत थी क्योंकि उसने ही तो बुरी तरह मारा था उस लड़की को। माया कहती है, उस लड़के को किसी का डर नहीं था इसलिए उसने उसे डरा कर मारा। और डर तो तुम्हें भी नहीं लगता, माया मुस्कुराते हुए कहती है। रोहन कहता है, हाँ क्योंकि ये सब बस कहानियाँ हैं, ऐसा सच में नहीं होता। माया कहती है, अगर मैं कहूँ कि मैं ही वो लड़की हूँ तो तब भी तुम नहीं डरोगे। रोहन कहता है, बस यार अब कुछ ज़्यादा हो रहा है। ये कहते हुए रोहन माया की ओर देखता है, पर ये क्या, माया में कुछ बदलाव नज़र आ रहे थे। सफ़ेद सूट अब लाल रंग का हो चुका है, खून से भीगा हुआ, बाल खुले और चेहरा भी खून से भरा, गले पर चाकू के निशान भी थे। रोहन घबराते हुए बोला, अगर ये कोई मजाक है तो अभी बंद करो इसे, और गाड़ी वहीं रोक दी। अब माया के शरीर से आवाजें निकलने लगी, जैसे कोई फर्नीचर खिसकाने की आवाज़ आती है। रोहन देखता है माया के दोनों पैर पीछे की ओर घूम चुके हैं, अब धीरे धीरे उसके हाथ भी पीछे की ओर मुड़ रहे हैं।
और ये क्या, उसकी गर्दन भी पूरी उल्टी हो गई, जैसे कोई गुड़िया के हाथ पैर घुमा देता है। बिल्कुल वैसा लग रहा था, इतना भयानक था वो मंजर कि कोई सोच भी नहीं सकता था। रोहन वहीं जम सा गया और कब उसकी दिल की धड़कनें रुक गई उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह वहां पुलिस आई और रोहन की बॉडी को ले गई साथ। वहां खड़े लोग यही बात कर रहे थे, एक और लड़का मारा गया, इसने भी जरूर उस लड़की को लिफ्ट दी होगी। जिसने भी उस लड़की को लिफ्ट दी वो जिंदा नहीं बचा। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं आप सभी से फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय महाकाल।